नमस्कार मोर यूट्यूब चैनल टेक्निकल जागृति को आपको स्वागत करुच्छे। आज भिडियो आम आलोचना करवा जोटा ओपीएससी तरफ जूनियर आसीस्टांट बाहर किपर भाव में ऑनलाइन रे फिलअप कर तार प्रत्येक स्टेप बाय स्टेप मुझे भिडियो माध्यम आज आपको जनइबी तेनाली नुआक चैनल को आसान तेज चैनल को सब्सक्राइब कर दिंतु और तले दिया जाए बेल आइकन दबाई दिंतु। जदि आप फुल डिटेल जानते तेल जमार स्किप करेंगे ना तार प्रत्येक स्टेप आपंपा मूल्यवान हो पाए तेनालीरु आसमें आलोचना करवा किपर भाव में ऑनलाइन फिलअप करवा देखो। प्रथम कंप्यूटर कह प्रत्येक कंप्यूटर कह गूगल क्रोम थे कि मोजिला थे मो कंप्यूटर आज गूगल क्रोम अच्छे जोटा कि माध्यम आपको जनइबी। आसत प्रथम केमी फर्म फिलअप करा प्रथम ऑफिशियल वेबसाइट ओपीएससी आपड़ टाइप करदे ऑटोमेटिक खोला प्रथम वेबसाइट पलैस क्लिक करदे क्लिक कला ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा। ऑफिशियल वेबसाइट ओपन होगा देखते प्रथम अप्लाई ऑनलाइन गोटे ऑप्शन अच्छे टॉप कॉर्नर गोटे आसपर आपड़ क्लिक करदे क्लिक कलापर आपर गोटे एम किसी पेज ओपन हो जोटा कि आपंकर नेसेसरी इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग अप ऑनलाइन एप्लीकेशन जोटा आप पढ़ी ने पूरा डिटेल्स देमी भाव में एप्लीकेशन फिलअप करेंगे तरह ओके करदे ओके कलापर देखते इ चयन एमती भाव में आप गोटे पेज ओपन हो जोटा कि गोटे लगइन आस गए रजिस्टर आस लगइन मैंने जो मैंने अलरेडी पूर्व रजिस्टर कर सारी से यूजर आईडी पासवर्ड देखिए लॉगिन करेंगे। आज जो मैंने प्रथम कि आसमें अप्लाई करना प्रथम कि रजिस्टर करजिस्टर करेंगे तेनाली रजिस्टर कर देखिए केमी भाव में रजिस्टर कर फिलअप करेंगे। ये देखते यूजर नेम आस जोटा कि आपंक नाम लिखिदेवे ये ईमेल आईडी अच्छे मैंने ईमेल आड्रेस अच्छे जो ईमेल आईडी जो आप यूज करते मैंने वैलिड ईमेल आड्रेस आप फिलअप करदे आपन फोन नंबर जो फोन नंबर आप वैलिड अच्छे से फोन नंबर को आप एंट्री करदे आप डेट ऑफ बर्थ लिखिदेवे ये गोटे पासवर्ड आसला मैंने जोटा कि आपंकर 8 कैरेक्टर मिनिमम होता दरकार जो थे प्रथम कैपिटल थी स्मॉल लेटर थी न्यूमेरिकल थी आल्फा मैंने जोटा कि आप डिजिट थी एमती भाव में 8टा कैरेक्टर आप पासवर्ड करते सेम पासवर्ड पुणी आउ थे कनफर्म जगह आप फिलअप करेंगे। तापर कौन करेंगे कैप्चा डाटा जो कैप्चर फिलअप करेंगे कैप्चा फिलअप कलापर आप देख तले एंटर ओटीपी फॉर ईमेल मैंने ये आप जेनेटर ओटीपी क्लिक करदे ऑटोमेटिक होगा आप ईमेल को जो ईमेल आईडी इमेल आईडी देते हैं ये से ईमेल को आपंकर गोटे ओटीपी पलि से ओटीपी आप फिलअप करदे नेक्स्ट कौन करेंगे जेनेटर ओटीपी जोटा कि आप जो मोबाइल नंबर देते हैं से मोबाइल को पुणी गोटे ओटीपी जीव तापर आप जेनेटर ओटीपी आप क्लिक करदे सर ऑटोमेटिक भाव आप ओटीपी पलि आस पड़ेगा आप लॉगिन जी रजिस्टर कर सारापर तर आप लॉगिन पे ऑप्शन आसीजा लॉगिन आसापर आपर लॉगिन आईडी पासवर्ड दे देदेव तापर ये कैप्चा फिलअप करदे 5666 फिलअप करदेला दुटा ऑप्शन अच्छे लॉगिन यूजिंग लॉगिन यूजिंग पासवर्ड लॉगिन यूजिंग ओटीपी आप ओटीपी थ्रू आपर लॉगिन करेंगे पासवर्ड थ्रू लॉगिन करेंगे तेनाली पासवर्ड थ्रू आप लॉगिन कर देखिए आप लॉगिन आईडी लगे देते पासवर्ड देते तार देते कैप्चा देदेले लॉगिन करदे लॉगिन कलापर आपर एमती गोटे पेज आपर ओपन होगा ओपन होगापर आप देखते जेहेतु मुझे आप फिलअप कर सारी मुझे डिटेल्स आपको देखेदेवी मुझे पूर्व फिलअप कर सारी तेनालीरु देखे नौ केमी भाव में आप फिलअप करेंगे तार होगापर देखते पर्सनाल डिटेल्स गोटे ऑप्शन आसाला जो प्रथम कि आपंकर आईडेंटिटी प्रूफ डिटेल्स आसला आपड़ी विभिन्न ऑप्शन आस सिलेक्ट करते पासपोर्ट वोटर आईडी पैन कार्ड ड्राइविंग लाइसेंस अदर आउ आधार कार्ड तेणु आप आधार कार्ड चाहिए आप आधार कार्ड नंबर दे पारे पैन कार्ड चाहिए पैन कार्ड नंबर देखिए आप फिलअप करेंगे तेनाली भाव में करेंगे तप सेकेंड ऑप्शन आस पर्सनल डिटेल्स पर्सनल डिटेल्स देखते प्रथम आसीगला नेशनलिटी आप इंडियन लिखिदेवे आपर आसगला जेंडर जदि आप मेल मेल जब फिमेल तब फिमेल लिखिदे आसगला ये आसगला आप फुल नेम इन इंग्लीश आज पर 10th एच एस एस सी और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट आपंकर जो एच एस सी सर्टिफिकेट हिसाब से आपंकर नाटा लिखे ऑप्शन आसगला आपंकर बापा ना लिखे आसगला तल को आप मदर नाम आसला तापर ये आपंकर ईमेल आईडी जो ईमेल आईडी आप ऑटोमेटिकल देखा पलि आस मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकल पलि आस डेट ऑफ बर्थ ऑटोमेटिक भाव पलि आस मैरिड मैरिड लिखे जो अनमैरिड तब आप अनमैरिड लिखे तेल जब मैरिड तब ऑटोमेटिक होगा पर आस नंबर अफ स्पाउस मैंने आप कत जन बहुत करेंगे ऑप्शन आसीज लिखे तापर रिलीजन आप हिंदू हिंदू लिखे इस्लामिक इस्लामिक क्रिश्चियन एमती विभिन्न सब धर्म अच्छी तेनाली आप हिंदू तो हिंदू लिखिदेवे आपंकर पर्सनाल आइडेंटिफिकेशन मार्क जब आप पर्सनाल आइडेंटिफिकेशन मार्क अच्छी कौन तेल आपड़ी लिखे निहत तो लिखा पड़े ऑप्शन दूसरे लिखे तो
ତାପରେ ହେଇଗଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା ପରେ ଆପଣ ଏଠି ସେଭ୍କୁ ଆପଣ କରିଦେଉଥିବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଅପ୍ସନ୍, ତାପରେ ଆସିଲା ରିଜର୍ଭେସନ୍ କ୍ଲେମ୍ଡ, ଆପଣ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ତାପରେ କ୍ଲେମ୍ଡ କ'ଣ କରିବେ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ରିଜର୍ଭଡ଼୍ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କିଛି ଆସିବ ନାହିଁ, ଖାଲି ବ୍ଲାଙ୍କ ଆସିଯିବ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏ ସି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଏଇଠି ଅପ୍ସନ୍ ପଳେଇ ଆସିବ, ମାନେ କାଟାଗୋରି ଆସି ଆପଣ ସବ୍କାଷ୍ଟ କ'ଣ, ଆପଣଙ୍କର ମିସ୍କେସ୍ ନମ୍ବର କ'ଣ, ତା'ର ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ୟୁ, ତାପରେ ଇସ୍ୟୁଇଂ ଅଥରିଟି, ତାପରେ ଡେଟ୍ ଅଫ୍ ଇସ୍ୟୁ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ଯେଉଁଠି ଏସ୍ ସି ଅଛନ୍ତି ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଏସ୍ ଟି ମଧ୍ୟ ସେ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର, ଆଉ ଏସ୍ ସି ବି ସି ମଧ୍ୟ ସେମ୍ ଟାଇପ୍ର, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଡାଟା ଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ରେଡ଼ି କରି ରଖିଥିବେ, ଆଉ ତ ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲାବେଳକୁ ଏଇଟା ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତାପରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆସିଗଲା, ତାପରେ ଆପଣ ଏଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଆପଣଙ୍କର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ସେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ ଦେଖନ୍ତୁ ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଆସିଛି ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍, ତେଣୁ ଆପଣ ସେମିତି ଭାବରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଜାଗାରେ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିଦେବେ, ଭିଲେଜ୍, ତାପରେ ଆସିଲା ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ତାପରେ ଷ୍ଟେଟ୍, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ତା'ର ପିନ୍କୋଡ଼, ତାପରେ ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍। ତା'ର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମିତି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଲଗା ଆଡ୍ରେସ୍, ତାହେଲେ ସେଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପରମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ କଥା ଲେଖିବେ, ଆଡ୍ରେସ୍ ଲେଖିବେ ଭିଲେଜ୍, ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ଷ୍ଟେଟ୍, ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ, ପିନ୍କୋଡ଼। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଇଟା କି ପୁରା ସେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଟିକ୍ କରିଦେବେ, ତାହେଲେ ଉଭୟ ଦୁଇଟାକି ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଆସିଯିବ। ସେଭଳି ଭାବରେ ପୁଣି ସେଭ୍ ଆଉ ନେକ୍ସଟକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣ ସେଭ୍ କରୁଥିବେ, ତାପରେ ସରିଗଲା ପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେପ୍ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବ। ତାପରେ ଆସିଯିବା ଅଦର ଡିଟେଲ୍ସ, ଅଦର ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଖିଲା ପରେ ତା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, ଡୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆଭେଲ୍ ଫେସିଲିଟି ମିଟ୍ ଫର୍ ଏକ୍ସ ସର୍ଭିସ ମ୍ୟାନ୍। ଯଦି ଆପଣ ୟେସ୍ ତାହେଲେ ଆପଣ ୟେସ୍ ଲେଖିବେ, ଯଦି ନୋ ତାହେଲେ ନୋ ଲେଖିବେ। ୟେସ୍ ଲେଖିଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ସର୍ଭିସ ସର୍ଭିସ ରିଟେଣ୍ଡ ଇନ୍ ଆର୍ମି, ନାଭି ଆଉ ଏୟାରଫୋର୍ସ, ତାହେଲେ ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ କେତେ ମାସ କେତେ ଡେ ଥିଲେ ଆପଣ ଲେଖିଦେବେ, ଯଦି ନୋ ଅଛି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଡୁ ଆର୍ ୟୁ ଏ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ପର୍ସନ୍, ଯଦି ଆପଣ ୟେସ୍ ତାହେଲେ ୟେସ୍ ଲେଖିବେ, ଯଦି ନୋ ତାହେଲେ ନୋ ଲେଖିବେ। ଯଦି ୟେସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସ୍ପୋର୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଆଇ ଡି ନମ୍ବର, ସୋର୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଇସ୍ୟୁଆନ୍ସ ଡେଟ୍ କେବେ ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଲେଖିବେ, ଯଦି ନୋ ଅଛି ତାହେଲେ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାପରେ ଆସିଲା ଡୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଆଭେଲ୍ ଫେସିଲିଟି ମିଟ୍ ଫର୍ ପର୍ସନ୍ ୱିଥ୍ ଡିସେବିଲିଟି, ଯଦି ଆପଣ ଡିସେବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୟେସ୍ ଲେଖିବେ, ଯଦି ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନୋ ଲେଖିବେ। ଯଦି ୟେସ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଡିସେବିଲିଟି କାଟାଗୋରି କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଲେଖିବେ, ତା'ର ଅଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାଟାଗୋରି, ଆଇ ଡବଲ୍ ଆଇ, ଥାର୍ଡ଼ ଆଇ, ଫୋର୍ ଆଉ ଫିଫ୍ଥ, ମାନେ ଚାରି ପ୍ରକାର କାଟାଗୋରି ଅଛି। ତା'ପରେ ଡିସେବିଲିଟି ସବ୍ କାଟାଗୋରି କ'ଣ, ପର୍ସେଣ୍ଟେଜ୍ କେତେ ଅଛନ୍ତି, ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଡିସେବିଲିଟି କ'ଣ, ଆଉ ପି ଡବ୍ଲୁ ଡି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନମ୍ବର। ଯଦି ଆପଣ ଡିସେବିଲିଟି ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଡିଟେଲ୍ସ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତା'ପରେ ପି ଡବ୍ଲୁ ଡି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମିସିଂ ଡେଟ୍, ଯେଉଁ ଡେଟ୍ରେ ଆପଣ ଇସ୍ୟୁ ହେଇଛି ସେଇ ଡେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ନୋ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଆର୍ ୟୁ ଏ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ, ଯଦି ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଏମ୍ପ୍ଲୋଇ ତାହେଲେ ୟେସ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଲେଖିବେ ସିଲେକ୍ଟ ନେଚର୍ ଅଫ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍, ଆପଣ କେଉଁ ପରମାନେଣ୍ଟ ୟା ଇନିସିଆଲ୍ ଆପଏଣ୍ଟିସ୍ ଯଦି ଅଛନ୍ତି, ତା'ପରେ ଆପଣ କେଉଁଠି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି ସେ ଜାଗାରେ ଲେଖିବେ, ଡେଜିନେସନ୍ କ'ଣ, ଜଏନିଂ ଡେଟ୍ କେବେ, ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବା ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତା'ପରେ ହାଭ୍ ଏନି ଅଫ୍ ୟର୍ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର୍ ଆର୍ ୱାର୍କିଂ ଇନ୍ ଦ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ପବ୍ଲିକ୍ ସର୍ଭିସ୍ କମିଶନ୍ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ଚାକିରି କରିଛନ୍ତି କି, ଯଦି ୟେସ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ନାମ ଲେଖିବେ, ତାଙ୍କ ଡେଜିନେସନ୍ ଲେଖିବେ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ରିଲେସନ୍ କ'ଣ ଅଛି ଲେଖିବେ। ଯଦି ନ ଲେଖିବେ, ଯଦି ଆପଣ କେହି ନାହାନ୍ତି ନ ଲେଖିବେ, ତେଣୁ କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତା'ପରେ ଡୁ ହାଭ୍ ନଲେଜ୍ ଇନ୍ ନଲେଜ୍ ଅଫ୍ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ଅଛି କି, ଯଦି ୟେସ୍ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିବ, ସ୍ପିକ୍ ଓଡ଼ିଆ, ରିଡ୍ ଓଡ଼ିଆ, ରାଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆ, ଆପଣ ଏଠି ସିଲେକ୍ଟ କରିଦେବେ, ଅଲ୍ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଗଲା, ଆପଣ ତା'ପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତେଣୁ ଯଦି ନୋ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବନି, ତେଣୁ ଆପଣ ଡି ଏସ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଭାବରେ ପଳେଇ ଆସିବ। ତା'ପରେ ଆସନ୍ତୁ ତା'ପରେ ଦେଖିବା, ତା'ପରେ ଆପଣଙ୍କର ତା'ପରେ ଆସିଗଲା ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ ଫ୍ରମ୍ ଫଲୋଇଂ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଏଲିଜିବିଲିଟି ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ଆଜ୍ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍, ଆପଣ ଓଡ଼ିଆ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ଯେଉଁ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ହେଇଛନ୍ତି କି, ତା'ପରେ ଯଦି ଆପଣ ହେଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ତା'ପରେ ହାଭ୍ ୟୁ ବିନ୍ ଡିବାର୍ଡ଼ ଫ୍ରମ୍ ଆପ୍ଲାଇଂ ଦ ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଅଫ୍ ଏନି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ଅଫ୍ ଏନି କମିଶନ୍ ଅର୍ ବୋର୍ଡ଼, ଯଦି ଆପଣ ଡିବାର୍ଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି ୟେସ୍ ଲେଖିବେ, ଯଦି ନାହିଁ ହେଇନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନ ଲେଖିବେ। ଯଦି ୟେସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ତା'ର ସବୁ ଡାଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆପଣ କେଉଁଥିରେ ଡିବାର୍ଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ କ'ଣ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଇ କରିଥିଲେ, କ'ଣ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ କ'ଣ, କେତେ ଦିନ ପାଇଁ ଡିବାର୍ଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ନାହିଁ ତା'ର ନ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଷ୍ଟେପ୍ରେ ଆପଣ ସେଭ୍ କରୁଥିବେ, ସେଭ୍ କଲା ପରେ ତା'ପରେ ସେଭ୍ ଆଣ୍ଡ ନେକ୍ସଟକୁ ଯିବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି, କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଟାଇପ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଅପ୍ସନ୍ ଆସିଲା, ଟେନ୍ଥ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ, ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଟେନ୍ଥ ହିଁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନେବା। ତା'ର ନେମ୍ ଅଫ୍ ଦ ଡିଗ୍ରୀ ଆଉ ସାର୍ଟିଫିକେସନ୍, ଡିଗ୍ରୀ ହିଁ ଟେନ୍ଥ ଆଉ ଇକ୍ୱିଭାଲେଣ୍ଟ। ତା'ପରେ ସବଜେକ୍ଟ ଆସିଗଲା ଏଚ୍ ଏସ୍ ସି ଅବ୍ଲିକ୍ ଟେନ୍ଥ ସବଜେକ୍ଟସ୍। ତା'ପରେ ଆସନ୍ତୁ ଷ୍ଟେଟ୍ ଆସିଗଲା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରୁ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ସେ ଷ୍ଟେଟ୍ ଲେଖିବେ, ଯେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ଆପଣ
परीक्षा देखते जोटा आप हाईस्कल सार्टिफिकेट जो स्टेट देखते स्टेट ना लिखे आम लिखे ओडिशा बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन विभिन्न अच्छे सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तापर एनडीआर सर्टिफिकेट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन तापर देखते रिजल्ट स्टेटस जोड़ा कि रहा पास अपीयरिंग आप देखिए ये पास ग्रेडिंग सिस्टम आ मार्क जो अच्छी आप मार्क्स सीजीपीए आ ग्रेड तेनालीटा मार्क हिंसा ना तापर मार्क देखते गोटे एग्जांपल दिया दिखाई जोटा कि आपको लिखाई आप मार्क दे गोटे मनकर ये फोर वन फाइव देली तो अटोमेटिक भाव और फुल मार्क शास प्रशास अटोमेटिक भाव परसेंटेज पलि आस 55.33 तापर इयर पासिंग लिखे इयर पासिंग आपत लिखे तापर आप देखते एंटर सर्टिफिकेट नंबर और रजिस्ट्रेशन नंबर और सीरियल नंबर आपनटा भितर जहाँ गोटे फिलअप करदे अटेम्प्ट लिखते फास्ट सेकेंड थर्ड विभिन्न आस फास्ट सप्लीमेंटारी कंपार्टमेंटल मल्टीपल अटेम्प्ट फास्ट अफ्ट जो अटेम्प्ट करते लिखिदे तो पासिंग डिजन तेनालीर जहाँ डिजन अच्छे आपड़ी फिलअप करते प्रत्येक स्टेप आपड़ी कौन करते सेव करते नेक्स्ट को जी नेक्स्ट गला पूरी आसगला प्लस टू आसगला प्लस टू कमी सेमती आसीज प्रथम प्लस टू एच एस सी और इक्विवेलेंट आप सिलेक्ट करने तार नेम मतलब डिग्री भितर आप एच एस सी मैंने हाई स्कूल सर्टिफिकेट जोटा कि रहा हायर सेकेंडरी एजुकेशन और इक्विवेलेंट एट रही गला प्लस टू तापर आप जो सब्जेक्ट पढ़ते आप सब्जेक्ट आप फिलअप करने स्टेट से भाई भाव ओडिशा आप लिखीद जो स्टेट रू आप अच्छे आप काउनसिल आपटे लिखीदे बोर्ड यूनिवर्सिटी आप काउनसिल बोर्ड यूनिवर्सिटी ना लिखिए पास कि अपीयरिंग पास लिखीदे तार मार्क सिस्टम कि सीजीपी सिस्टम ग्रेड सिस्टम जब आप मार्क मार्क लिखीदे तो कत मार्क पाई तो टोटाल मार्क लिखे अटोमेटिक हालांकि परसेंटेज पलिस इयर पासिंग लिखीदे से भाई सर्टिफिकेट सिल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर और सर्टिफिकेट नंबर जहाँ भी आपड़ जहाँ लिखे से चलो अटेम्प्ट फास्ट फास्ट सप्लीमेंट कम्प्लीमेंट मल्टी मल्टीपल अटेम्प्ट जहाँ अटेम्प्ट करेंगे आप फिलअप करेंगे डिजन आप जहाँ डिजन आप फिलअप करदे आप करते ओके करदे ओके करदे आप आसला प्लस थ्री से आप फिलअप करते जब प्लस थ्री बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट सेमती आप जो सब्जेक्ट अच्छे आप मानक बी ए सब्जेक्ट अच्छा इंटीग्रेटेड भी हो कि नॉर्मल भी हो जहाँ भी आप सब्जेक्ट पढ़ुंत कि जो सब्जेक्ट आपड़ सब्जेक्ट को आप लिखने सिलेक्ट कर मनकर आपर बैचलर ऑफ अप्लाइड आर्ट्स धर बी ए अच्छी विभिन्न सब्जेक्ट अच्छे जो सब्जेक्ट जी पढ़ुं सब सब्जेक्ट अच्छी तेनाली सब्जेक्ट आप लिखने ये इंटीग्रेटेड बी ए अच्छी जी जी धर जहाँ जो सब्जेक्ट से फिलअप कर आसला आप सब्जेक्ट कौन आप जो सब्जेक्ट से लिखीदे सब्जेक्ट टाइप भी मानते जो सब्जेक्ट टू ये किसी आवश्यकता नहीं आप जहाँ भी न लिखे चलो स्टेट आप लिखीदे ओडिशा बोर्ड ऑफ यूनिवर्सिटी आप जो बोर्ड पास कर बोर्ड लिखे रिजल्ट पास अपीयरिंग रिजल्ट आपड़ा लिखे मार्क सिस्टम ना सीजीपी ग्रेड आपड़ा फिलअप करने तापर आप फुल मार्क लिखे टोटाल मार्क लिखे तरह अटोमेटिक परसेंटेज पलिस इयर पासिंग लिखे तो सर्टिफिकेट नंबर लिखे अटेम्प्ट फास्ट से कि सप्लीमेंट कम्प्लीमेंट लिखे पासिंग डिजन आप लिखे प्रत्येक स्टेप आप सेव एंड कंटिन्यू करेंगे सेटा सर तापर आसला नेक्स्ट स्टेप आसला वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स जदि आप एक्सपीरियंस अच्छी तेल आपड़ी फिलअप करने लिखे ये प्रथम आसला ये एम्प्लॉयमेंट आपड़ी कौन पास्ट ना प्रेजेंट जब आप प्रेजेंट अच्छे प्रेजेंट चाकरी लिखे जब पूर्व थे तो पास्ट लिखे आपड़ी कौ जगार चाकरी कहते से जगह नाटा आप फिलअप करने आप पोस्ट कौन आपड़ी पोस्ट नाटा फिलअप करने से भाव आप जहाँ फिलअप करते आपड़ा से ही रिलेटेड आप एक्सपीरियंस टाइप अच्छे आप गोटे सिलेक्ट करने के तारिख रू के तारिख थे मेनसन करते अटोमेटिकली आपड़ी पलि आस टाइमिंग आसो ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट बा सेंट्रल गवर्नमेंट कि सेंट्रल पीएसयू से आप फिलअप करना जदि ताले लिखी देलापर आप कौन करते सेव करते जदि ना तो किसी आवश्यकता नहीं फिलअप कर आगे चलिए बाकी तर अपलोड डॉक्यूमेंट आसीगला तापर अपलोड प्रोफाइल डॉक्यूमेंट्स आपंकर जो जो प्रोफाइल आपला आप कौन अप्लाई कर जो डॉक्यूमेंट अच्छे अपलोड करेंगे जेहेतु मोर एट अपलोड है तेनाली अपलोड लिखुच देखो गोटे एग्जांपल देखो गोटे अपलोड कर देखी तेनालीरें सेम भाव में अपलोड करने पड़ो प्रत्येक स्टेप कौन करेंगे अपलोड करेंगे तेनाली प्रथम मैट्रिक मैट्रिक मार्कशीट सर्टिफिकेट प्लस टू मार्कशीट सर्टिफिकेट ग्रेजुएट मार्कशीट सर्टिफिकेट जब पोस्ट ग्रेजुएट अच्छे तो पोस्ट मार्कशीट सर्टिफिकेट पैन कार्ड जब आधार कार्ड पैन कार्ड जहाँ भी तार अटाच करेंगे
तापर जदि आप एक्सपीरियंस अच्छे तो एक्सपीरियंस आटाच करेंगे ट्रेन बाहर सब होगा अपलोड इमेज मारे नेक्स्ट स्टेप है सेव करदे तेनालीर तापर आप देखिए जदि टोटल स्टेप आप कम्प्लीट हो देखते लेफ्ट साइड प्रोफाइल स्टेटस आपड़ी कम्प्लीटेड लिखे तो मैंने जानते आपण प्रोफाइल स्टेटस कम्प्लीटेड होपर जाप्लिकेसन सेक्शन को जब सरी आप्लिकेट सेक्शन जब आप्लाय सेक्शन गोटे अप्सन आसीजे आप सिलेक्ट करेंगे ये सिलेक्ट कलापर देखते ये विभिन्न अप्सन आसीगला मैंने आपड़ी जूनियर आसीस्टाट देखो आसीस्टाट जो जो अपकमिंग पोस्ट मैं ये आसूस आप जूनियर आसीस्टाट ग्रुप सी आपड़ी आप्लाय करेंगे।